अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू एन अदर व्लॉग। तो ब्रो क्या हाल है, ठीक हो? सब खैरियत, फिटफाट, मजे में ना? आज का सीन कुछ ऐसा है, सीन तो उठते ही शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सीन जब से यहाँ पर आए हैं सिर्फ सीन और सीन ही हो जा रहे हैं मेरे साथ। बस सिर्फ चे बनना बाकी रह गया। अच्छा, बात ऐसी है कि जैसे कि मैंने कहा था कि कल गुजरा हुआ, कल सैटरडे, यस्टरडे मतलब मेरी क्लास थी, सिक्योरिटी की लास्ट क्लास थी, तो आज संडे है। काशी भाई ने सोचा कि आज जो है वो लेट उठेंगे, सोएंगे, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि थकान, रात में वाकई बहुत थक चुका, क्योंकि वो बूट पहने हुए थे दो दिन से और आना जाना, और कल तो बहुत हैक्टिक था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि लेट आया था। इवन कि मैंने कहा था ना कि मैंने कहा बस पे जाएंगे, तो मैं बस पे ही आया था, बट उसके बाद आई हूँ तो टांगों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने कहा चलो सोते हैं, लेकिन कहाँ, इधर काशी भाई हैं, जो कुछ मर्जी हो जाए, छुट्टी हो ना हो, काशी भाई ने वही टाइम से उठना है, 5:30-6 बजे तक आँख खुल जानी है उसके, बेशक लेटे रहो लेकिन नींद नहीं आनी। बेशक मैं रात 3 बजे सो जाऊँ, सुबह 6:30 बजे उठ जाना, मतलब 6 बजे तक बस। मैं बेशक रात को 10 बजे सो जाऊँ, सुबह 6:30-6 बजे उठ जाना, वही हुआ। अभी 9 बज रहे हैं और कश भी तैयार शेयर होके खड़े हुए हैं आपके सामने, बल्कि काफी देर से तैयार होके बैठे हुए हैं। फिर मैंने कहा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले फिर मुझे याद आया कि मैंने कपड़े भी धोने हैं, क्योंकि काफी रफ पड़े हुए थे, मेरे थर्मल पड़े हुए थे, वो धोने थे, तो नाश्ता भी बनाना था। तो मैंने कहा क्यों ना फिर व्लॉग भी बनाया जाए और साथ में दिखाया भी जाए, और साथ में मेरा भी एक वो क्या कहते हैं वो चलता रहेगा ना, टाइम पास होता रहेगा। कल जैसे कि मैंने बताया था परसों कि व्लॉग नहीं था बनाया, तो मैं बड़ा बोर हो रहा था यार, समथिंग इज मिसिंग, लेकिन क्या मिस है, लेकिन अब पता लगा कि क्या मिस था। अभी फिर जो है वो नीचे चलते हैं मशीन का, देखते हैं कि क्या हाल हवाल है, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि न्यू रूम है, न्यू सारी चीजें हैं, तो मशीन का नहीं पता कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कैसे चलाते। तो सारे कपड़े जो है वो मैंने शॉपर में डाल लिए हैं, तो शॉपर में डाल के अभी नीचे जाते हैं और मशीन चलाते हैं, जब तक वो मशीन में अपना काम करेगी और हम जो है वो अपना नाश्ता बनाएंगे। नाश्ता बनाने के बाद हमारे पास ड्रायर है पड़ा, तो शायद उसमें भी वो लगा हो, वो जो कहा नहीं था मैंने कहा धुएं छुएं निकलते हैं, वो ड्राई तो ड्राई, वो साथ में वो हीटर वाला ड्राई भी करती है गर्म करके, तो वो देखते हैं शायद उसमें हो तो और अच्छा हो जाएगा। एंड 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 रूम, अच्छा इसके रूम का मैं बाद में बता, ये मशीन है इसका हमें पता नहीं चलेगी कैसे आएगी। ओके, इसका स्विच मैं मुझे बोल नहीं सकता क्योंकि वो पहले वाले समय में तो मुनासिब नहीं लगता। अच्छा मैं कपड़े इसके अंदर डाल के डिजिटल कर के नाश्ता बनाऊंगा, सुन। तो वही इसे तो चला दिए सामान वो, मतलब कपड़े शपड़े अंदर डाल दिए, ये सेटिंग वेटिंग थी कुछ वो कर दी है, बस अभी नाश्ता बनाने लगे। और ओए 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 रुक जा, गिरी ना गिरी ना। नाश्ते में हम बनाने लगे हैं अंडा पराठा। अंडा पराठा मीन्स अंडा तोड़ के उसके ऊपर पराठा, तो वो बन जाएगा अंडा पराठा, समझ रहे हो? यस। और ये चाय, और या इसके बाद पराठे मेरे जो है वो इसमें पड़े हुए हैं, और ऑयल ये है और वो है। अभी जो है वो नाश्ता वाश्ता बना बनू के फिर दिखाऊंगा, क्योंकि यार बहुत हैक्टिक होता है। भाई साहब नाश्ता वाश्ता कर लिया, दिखाना भूल गया क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी और इस पे व्लॉग लगा हुआ था, मैं देख रहा था। मैंने कहा चलो, मैंने कहा मुनासिब नहीं समझा, हाथ सारे ऑयल वाले थे। नाश्ता वाश्ता करके मशीन में कपड़े डाल के पंगे शंगे लेके ना सारा कुछ, अच्छा इसमें मजे की बात यह है कि इसमें वो मैं कह रहा था ना कि वो हीटर शीटर होता है गर्म करता है, तो वो 90 डिग्री पे मैं करके आया हूँ। जब मैं कपड़े निकालने जाऊँ, या तो कपड़े बिल्कुल जल चुके होंगे, या फिर जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं बिल्कुल, के यार जस्ट मैं यहाँ पर उसे थोड़ी देर रखूंगा और ओके हो जाएगा। खैर अभी बस जो है वो बैठे हुए हैं, 1 घंटे का टाइम है, 1 घंटे बाद जाएंगे निकालेंगे। लैपटॉप पे भी थोड़ा बहुत काम करना है, ये हीटर लगा हुआ है। और तो भाई साहब मशीन को जो है वो मैं लगा के गया था कपड़े धोने के लिए, लेकिन सीन कुछ ऐसा था कि वो ना मुझे अभी आंटी ने बताया, क्योंकि वो 1 घंटे का टाइम था और ये 3रा घंटा चल रहा है, बटन इसके अंदर आंटी कहती कि ख़राब है, मतलब कि वो थोड़ी देर चलती है फिर दोबारा ब्लिंक करती है, आपको दोबारा प्रेस करना पड़ता है। आंटी यहाँ खाना बना रही थी तो वो उन्होंने ही सारा कुछ किया था, लेकिन बस अब उन्होंने मुझे बता दिया कि आपने डेली क्विक पे, हालांकि मैंने भी इधर किया था लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों घंटा लगा था, डेली क्विक पे 28 मिनट लगेंगे, इसे एक दफ़ा दबाना उसके बाद ये ब्लिंक करेगी दोबारा दोबारा। सो हमारे कपड़े हो चुके हैं रेडी, बट ओके अच्छा वो उस तरह से गर्म नहीं हो गया, पता नहीं क्या था, लेकिन हो गया। आंटी कहती है कि आप ये यूज़ कर सकते हैं इधर, इनको हैंग करके, मैंने कहा ठीक है। तो यार इतने टाइम बाद जो है ना वो यूके में मैं धूप पे बैठूँ पिछले आधे पौने घंटे से, मतलब अच्छा यहाँ पर अभी पता है क्या, नमी वमी का कोई हाल हवाल नहीं है यहाँ पर, पता ये है कि धूप अभी लग रही है ना, मतलब धूप निकली हुई है प्रॉपर ना। मैं आपको दिखा देता हूँ,
ये देखो ये प्रॉपर धूप निकली हुई है लेकिन ठंड है, धूप निकली हुई है मतलब लाइक सेंसिटिव होता है ना फेस एरिया आपका, तो यहाँ पर मुझे धूप लग रही है, बाकी लाइक जैसे कि पाँव हाथ तो वो मेरे फ्रीज हो रहे हैं। फ्रीज से मुराद ये है कि ठंड है, ठंड के साथ धूप निकल रही है, इसलिए कपड़े जो है यहाँ पर ड्राई नहीं होते। लेकिन मैंने फिर भी जो है वो हैंग किए होंगे, मैंने कहा थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ ही जाएगा यार, ज़्यादा ना भी पड़े लेकिन पड़ जाएगा। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर बैठे हुए, अभी अभी हवा चली है, वरना थोड़ी देर पहले हवा भी नहीं थी, और बड़ा अच्छा हाल वाल है इतने टाइम बाद। बस इधर किस चीज़ की कमी है, चाय शाय की कमी है थोड़ा सा, और अपना एक हाल वाल जो होता है उसकी कमी है। सो ये देखो, तो वैसे मैं घर से फिर निकल चुका हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि आज संडे है, आज नहीं कहीं जाना भी नहीं है, ना क्लास है, तो जा किधर रहा है? तो मैं आपको बताता हूँ, आज मैं जा रहा हूँ, मैं और तलहा जा रहे हैं। खैर ओहो मेरा दुपट्टा उधर, आई मीन थोड़ी उतर गई। तो आज हम जा रहे हैं एक जगह पर ना, जॉब का कहा था, किसी ने रेफर दिया था, तो वहाँ पर जा रहे हैं। 50-50 चांसेस हैं, कुछ भी हो सकता है, 50 से 100 भी हो सकता है, 50 से 0 भी हो सकता है। तो तलहा निकल चुके हैं वहाँ पर, मैं भी जा रहा हूँ यहाँ से स्टॉप पर फिर डायरेक्ट उसी जगह पर जो है वो जाएंगे। तो ये वाली जो सोसाइटी है मेरी, ये भी तकरीबन जो है वो क्या कहते हैं इल्फर्ड की तरह पाकिस्तानी जो है ना सोसाइटी है। यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिलती हैं, वैसे ही वही सेम इन्वायरमेंट आपको मिलता है। यार यहाँ पर तो हुडी पहन के भी घूमना ना ऐसे, मतलब खुद को ये होता है कि यार मैं कोई वारदात ही हूँ। अच्छा अब मैं जिस स्टॉप पर उतरा हूँ ना, अब वो मतलब ये जहाँ से जा रहा हूँ, क्या कहूँगा ऐसे यार, ऊपर रोड जा रही है बस, यूँ कह लो, और नीचे से रास्ता है रोड क्रॉस करने का, क्योंकि ये शायद मेरे ख्याल में कोई बड़ी है। मैं पहली दफ़े इस रोड पर आया हूँ, सो रोड क्रॉस करते हैं, तो फिर आपको इस यहाँ से आना पड़ता है, कि यहाँ से जाना पड़ेगा। वो क्या देख रही थी बस, मैं देखूँ वहाँ से चलकर वो बस है, यहाँ पर आया और लेट्स सी भाई, यहाँ पर तो अच्छे भी आ रहा हूँ। खैर अभी लोकेशन देखता हूँ और पहुँचता हूँ। यार मुझे ना इस बंदे ने मैं दिखाता हूँ, ये आगे जा रहा है, आप देखिए, जब भी करवाया ना जलील ही करवाया है। संडे है नो डाउट, जगह अच्छी है, पॉसिबिलिटी है कि हो जाए, लेकिन बंद है। मुझे भी पता है कि संडे है और बंद होगा, लेकिन ये बहुत महान है ना, ये मुझे कहते हैं कि भागना नहीं है, तो मैं इसलिए चल रहा हूँ, वो भी इनके पीछे। तो मैं भाग नहीं रहा, तो मैं अभी तक नहीं भाग रहा, मैं चल रहा हूँ। ये कह रहा भागना नहीं है, मैंने कहा ठीक है भाई, यूके आ गए आप, 2 महीने पहले आए हो, आपको पता होगा मैं क्यों भागूं। और जब भी करवाया ये जलील ही करवा रहा अभी तक। हाँ क्या कह रहे थे अब बताओ, बताने लगा एक मिनट बताओ, ये बताने लगा ना, सुबह सुबह मुझे 10 बजे किसी ने ताने मारे थे कि 10 बज गए हैं, 11 नहीं है, 11 बज गए हैं, उठा नहीं है, जाना नहीं है, मुझे नहीं पता संडे है, मुझे तो पता था, फिर मुझे तो पता है। मैंने कहा यार तू इतना इंटेलिजेंट है भाई, हेलो तू इतना महान, तू इतना महान है। मैंने कहा कि यार नहीं भाई काशी तू गलत है, काशी तुम चे हो, जो तुमने सुबह व्लॉग में कहा था ना कि चे बनना बाकी, और बन चुके काशी भाई चे, जस्ट बिकॉज ऑफ इसकी वजह से। और अभी भी कह रहा है मैसेज करूं मैं, उठाऊं इसे मैं, रात को सुबह जाना है, जाना है 2 बजे उठता है ये, कितने बजे उठता हूँ, कितने बजे उठता है, 11 बजे, हाँ जी 11 बजे, 11 बजे सिर्फ तू ये अपनी आंखें खोलता है, हाँ दिन है रात है, देख, क्या है, कहीं जल्दी तो नहीं उठ गया, देख उठना है, उठ के मुंह धोना है, नाश्ता बनाना है, कौन बनाता है, मैं क्या क्या फिर करना है नाश्ता करके फिर तैयार होना है। और देखो अल्लाह डंडे सूटियाँ नहीं मारता, ऐसे ही करता है। और सुबह ही मैं बता रहा था, मैंने कहा पूरा वीक मैं जल्दी उठता हूँ, जल्दी सोता हूँ कि यार सुबह जाना है, मैंने कहा आज संडे आज मस्ती में सोऊंगा फुल, लेकिन नहीं 6:30 बजे काशी भाई उठ गया, 8 बजे तैयार होके जो व्लॉग बना रहा है, 9 बजे भाई नहीं है ना आदत, नहीं है, बेशक घर में बैठ के खा के देखा है, लेकिन फिर भी इतनी गंदी आदत नहीं थी कि पड़े रहो बस मस्त खाते रहो, नहीं, जो खाते थे ना उसे वो हलाल भी करते थे। मैं 12, 12:30, 1, 2 शायद इसे भी शायद ऊपर, सो कोई नई बात बता ना, नई बात बता, मुझे तो 5 बजे भी सुला देगा, मैं फिर ज्यादा से ज्यादा 8:30 बजे उठ जाऊंगा बस। हाँ जी फ्रेश फ्रेश
भाई देखो सीधी बात है, 8 घंटे की नींद सुन्नत है बेशक। ये आप गलत काम कर काम ये बेशक काम मैट्रिक में थे ना, मैट्रिक में सुन्नत है, मैट्रिक में थे ना, बाल बड़े रखते थे ना तो सर कहते थे बाल कटो, सर सुन्नत है बाल पीछे जुल्फे, ये वो वाली सुन्नत है, कहता तुम्हें सुन्नत में यही नजर आई है। काशिफ कूल डाउन, इजी ब्रो, होता है चलता है इजी। हाँ जी, जब तक आप 8 घंटे नहीं सोते ना, हाँ हाँ, तो आपकी बॉडी उस तरीके से फ्रेश नहीं होती। हाँ हाँ, जब बॉडी फ्रेश नहीं होती तो आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं करता। हाँ, अब मैं 8 घंटे आज सही नहीं सोया इसलिए मुझे नहीं पता चला कि आज संडे है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं, हाँ, केयर, हाँ, केयर, हाँ, जरूरी है ना? जरूरी है। और एक्स्ट्रा केयर क्या होती है? एक्स्ट्रा केयर कुछ नहीं होती, सिर्फ केयर करनी चाहिए। नहीं, केयर होती है ना? हाँ। और एक्स्ट्रा केयर जब हो जाए तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। माइकल जैक्सन के साथ क्या हुआ था? नहीं, माइकल जैक्सन, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन है, चे था। तो 8 घंटे होते हैं, अब 8 घंटे से 10 से 12 घंटे हो ना, तो वो भी सही नहीं होता। वो भी सही नहीं होता, तो मैं 8 घंटे सोता हूँ, 8 घंटे सोता है, और मेरे तो 8 घंटे पूरे नहीं होते। तू भी नहीं सोता 8 घंटे? लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ओके हूँ ना, मैंने तुझे कुछ कहा कि मुझे कोई मसला है? तुझे यही तो मसला है पाकिस्तानियों का, के? आपको फील नहीं होता कि आपको मसला है? अल्लाह माफ करे, उस लिहाज से तो सारा कुछ देखता रहता हूँ, लेकिन फिर भी ब्रो 7 घंटे तो मस्ट है ना मिनिमम। 7 घंटे सोया तू? हाँ, मतलब यार पाल में सोया हूँ। उठ जा, उठ जा, उठ जा, नहीं तो ये देख रहे, उठ जा, चलो जहाँ चलना आप जाना तो है। पर मैं वहाँ पर इतना माहौल बना के बैठा हुआ था ना, चेयर शेयर रख के, मैंने कहा शायद आएगा और एक आधा वो हाल हवाल करेंगे और बस ठीक। तो मैंने कहा बाहर तो बैठ सकते, आज डे भी था, चल उठ जा। अब भाई कारनामे तो आपने देख लिया हम दोनों के, ये तो हमारे हाल है यूके में आके। नॉन सीरियस बिहेव तो नहीं है इतना, तो वो हुए पड़े हैं, तो ना संडे देखा ना मंडे देखा, चल दिए मुझे भी। मैं जब इधर उतरा हूँ बस से, तो फिर मैंने वो भी साइन बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था वेयर हाउस के बाहर के, जो है ना मतलब टाइम टेबल लिखा हुआ था संडे ऑफ क्लोज्ड मुझे था, लेकिन इवन के लाइक मतलब एक दो जो है वो ओपन है, यहाँ आके पता लगा। लेकिन फिर क्या हुआ, मंडे कल यूनिवर्सिटी जाएंगे, ट्यूसडे को दोबारा आ जाएंगे, अब करना तो है ना बड़ो यार। तो बस फिर यहाँ से जा रहे हैं घर, घर जाके क्या करना, कुछ भी नहीं करना। तो आज का व्लॉग खत्म करते हैं यहाँ पर, इंशाल्लाह फिल्म मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।